अस्सलाम वालेकुम आप हे गाइस अस्सलाम वालेकुम आप देख रहे हैं फैसल अली व्लॉग और मैं हूं फैसल अली फिर से क्योंकि भाई चैनल का नाम फैसल अली व्लॉग है तो हम फैसल अली ही हैं ओब्वियसली। तो यार गाइस मैंने आपको बताया ना कि हम भाई दराज से हमारे अलग ही भाई सिस्टम है कि हमारा पार्सल दराज से अलावा तो होता ही नहीं है, दराज से अलग हमारे को पार्सल आता ही नहीं है। तो आज हमने फिर से एक दफ़ा दराज को किया है तंग और दराज से मंगवा लिया है हमानी का हनी। इसकी बेसिकली क्या स्टोरी है कि मैंने पहले ब्लैक सीड हनी जो है उस चॉइस किया कि चॉइस करके मैंने अच्छा उसको यानी कि करके सिलेक्शन में फिर मैंने कहा उसको मंगवाया जाए तो ये एक शीशी तो नहीं मंगवाएंगे 250 ग्राम की। तो मैंने दो मंगवाने का जब ऐड टू कार्ट किया उन्होंने कहा भाई आप ऐड टू कार्ट से मतलब मेहनत से बेहतर है कि हमारा एक कॉम्बो बना हुआ है कि 1 जैस्मिन सोप एंड 2 हनी तो आप वो ले लें आपकी ही ऑफ़र पर तकरीबन उतरेगा और एक सोप एक्स्ट्रा हो गया। तो मैंने कहा चलें ये सोप मेरा कमीशन हो जाएगा तो हम सोप के साथ इसको विद सोप ऑर्डर कर देते हैं। हमने ऑर्डर किया और हमें ये पड़ा 1100 मैं पहले बताता हूँ क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में हो रहा हूँ। मेरा ये जो टोटल प्राइस बना है इसका 1104 रुपये यानी कि 1104 रुपीज़ पाकिस्तानी PKR सिक्का रजुल वक्त बना है विद 1600 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस एंड मुझे सिक्योरिटी जो प्राइस नहीं आ रहा खुद हिसाब लगा लो ना कि 69 रुपीज़ से माइनस करेंगे 1104 से तो क्या बनता है वो खुद लगा लो। तो एक हमें इसमें क्या क्या रिसीव हो रहा है, एक हमें जो उन्होंने बताया था वो यही बताया था और रिसीव भी वही हो रहा है। एक सोप हमें रिसीव हुआ है जैस्मिन सोप और हमानी की WBY हमानी है जो भी हमानी जितने भी हैं उनकी अच्छी बात एक मुझे लगती है कि वो ये देखो हर चीज़ पर वो बबल रैप चढ़ा के देते हैं। तो ये सोप आ गया हमारा जैस्मिन सोप ये 250 ग्राम्स का ब्लैक सीड हमने हमानी का हनी आ गया है। अच्छा ये एक जैसी हनी है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ये कि इसे एक को ही खोला जाए। अच्छा ये आ गया सामने हमारा मेन कंटेंट रख लेता हूँ मैं जो इसका मैनुअल है। पहले मैं अपने सोप को देखता हूँ क्योंकि भाई ये अपनी चीज़ है ना तो देख ले यार हमानी का। अगर मेरी तरफ से आप पूछें कि हमानी कैसी कंपनी है तो मैं उसको 100 में से 100 दूंगा, 10 में से 10 ही दूंगा क्योंकि हमानी की पैकिंग हमानी के साथ इनका फ्रूटफुल बात करने का एक तरीका जो होता है वो बड़ा यानी मुझे अच्छा लगता है ना इनका क्योंकि मैंने इनसे अभी चैट में बात की कि अच्छी चीज़ भेजेगी और उन्होंने मुझे पूरा जिसे कहते हैं कि इत्माद दिलाया कि भाई आप फिक्र ना करें आपकी चीज़ हम अच्छी भेजेंगे। अब यहाँ से टेप को मैं काटना चाह रहा हूँ तो यहाँ से हम टेप को कुछ यूँ कट कर लेते हैं, कट लेते हैं बबल रैप के ऊपर से हमने टेप को रिमूव कर लिया। अब इस साइड की टेप रह गई है बिस्मिल्लाह। कैसे खुलेगा रे तू गैस हो गया आपको एक तिलक तिलक की आवाज़ें माइक लगा हुआ है तो आवाज़ें आपको कम आ रही होंगी लेकिन अगर आ भी रही हैं तो मैं मेरी तरह से आपको पहले बताया हुआ माजरत क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ तो आप लाइक शेयर करो ताकि हम सेटअप अपना चेंज करें जहाँ मैं हूँ जहाँ पर मैं अपनी वीडियोज़ बनाता हूँ चेंज कर लूँ। तो ना सारा बबल रैप उतारने के बाद दो टेपों के पीस भी उतारने के बाद हमें मिल चुका है हमारा सोप। कौन सा सोप ओपन होगा यहाँ से यार एक और सोप मैंने मंगवाया था आपको याद हो तो उसके साथ मुझे ट्रे मिली थी और आई गेस ट्रे है लेकिन ट्रे कैसी है यार एक मिनट देख लूँ ट्रे तो नहीं है ये यार गैस ना तो उस पर पैकेट चढ़ा हुआ है आ जा बाहर ना इस पर पैकेट चढ़ा ओ यार गैस पे पैकेट चढ़ा हुआ है ये सोप है पिघल रहा है अभी इस टाइम मैं इसको रख के तो यूज़ कर लूँगा है इस पर कल वो चढ़ा हुआ है मैं इसको उतरवा दूँगा तो देखूँगा अगर बाद में इसका थोड़ा सा रिव्यू दे सका कैसे क्योंकि यार मुझे समझ लिक्विड से हुआ है मेरे नाखूनों में जा रहा है सोप ही है जिसपे गाय वो चढ़ी हुई है पेपर से चढ़ा हुआ है। खैर छोड़ें ये उन्होंने ट्रे ही बना के भेजी है कि इस ट्रे में आप रखें। खैर हम इसको वापस इसमें डाल लेते हैं नेक्स्ट ऑर्डर पर जाता है इसकी मुझे समझ नहीं आ रही मेरे हाथों से खुशबू आना स्टार्ट हो गई क्योंकि मैंने हाथों पे ये वही बात कर रहा हूँ कि मेरे हाथों पे ये लग गया तो थोड़ा सा क्योंकि पिघला हुआ इतनी गर्मी से आ रहा है। अभी तो खैर हमारे सिटी में यानी कि इस्लामाबाद में मेरे घर के बाहर बारिश हो तो रही है लेकिन
मतलब ये है ज़ाहिर बात है गर्मी में, वेयर हाउस में गर्मी होती है, जो दराज जितने में गर्मी वगैरह होती है। अच्छा तो यार इसको खोल लेते हैं, यहाँ से मैंने इसको काटा था टेप को। यार हमारे वाला ठीक है, तुम लोग लगाते हो बबल रैप, अबे इतना बबल रैप। अच्छा रुको गए, ओ लग रहा है कांच की शीशी है गैस, ये प्लास्टिक का वो मतलब कि वो गत्ते या प्लास्टिक का साबुन का नहीं है, ये कांच की शीशी होती है हमारे के खाने की। अबे यार ये तो वही बात हुई कि खोदो भी खोदो, इसको खोदते जाओ खोदते जाओ, रोल करते जाओ रोल करते जाओ। कर दिया हमने रोल, एक हमने पैर ऊपर से उतरवाया, उतर पैर या जो भी प्रोट वगैरह कह लो। अब इतना सारा बबल रैप, और उस बबल रैप को छोड़ के एक अलग बबल रैप की थैली, उसको मैं यूँ रोल करता जा रहा हूँ, लग कर टूटी भी नहीं हो। गाइस को साथ साथ दुआ करना शुरू कर दो, टूटी भी ना हो, टूटी भी ना हो, टूटी भी ना हो, टूटी भी ना हो। घूम रहा है, रोल हो रहा है। इस टाइम पूरा पर्दा बन चुका है, उस पर्दे को हम ढक से उतार देते हैं। एंड इट्स हनी, हनी आ चुका, हनी के साथ छोटी सी चम्मच भी दी हुई है उन्होंने। वेयर इज़ माय सीजर, तो इतना कचरा पड़ गया है, अब क्या करूँगा, चपेड़े पड़ेंगे घर से। चलो सॉरी, यहाँ से बड़ा मुझे शौक था इस तरह के जो पेपर होता है फ़ोन के ऊपर उसको उतारने का, आज मेरा वो शौक है इस तरह से पूरा होता जा रहा है। आप देख रहे हैं हम आने के हैने वाली सरकार, सॉरी यार मान। तो ये हमने उतार दिया एंड चम्मच आ चुकी है, मैं चम्मच वाले रबर बैंड को रोल कर लेता हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि क्या चीज़ है। ये रबर बैंड था, काफ़ी अच्छा रबर बैंड है, रबर बैंड तो नहीं है, काफ़ी अच्छी से कोई ट्रसल सा है। ये चम्मच है जिससे मैं अभी खोल के अगर साफ हुआ तो, ओ यहाँ से भी छोटी सी सील है हमारे की, मैं इसको ब्रेक करता हूँ और दिखाता हूँ फिर आपको अंदर से भी, ऐसे हमारे को हनी के अंदर से आपको कैसे दिखाऊँ, लेकिन फिर भी दिखा देते हैं आपको। और उसको ओपन कर देंगे, इट्स ब्लैक सीड हनी। चम्मच धुली नहीं हुई है, क्या करूँ गाइस, चलो छोड़ो सब इसको नहीं खाते क्योंकि चम्मच धुली नहीं हुई है, शायद वेयर हाउस में से आया, क्या करूँ कैसे खाऊँ यार। गाइस खाना ज़रूरी है क्या, नहीं खाते इसको। खैर ये गाइस हनी था, अगर यार दूसरा हनी खोलूँगा तो मुझे मेरे ख्याल से रात तो हो जानी है यहीं पे, तो इसलिए गाइस मुझे इनके चौधरी फैसल अली को दीजिएगा इजाज़त फ्रॉम फैसल अली व्लॉग यूट्यूब चैनल। इन चीज़ों का एंड पे हो सका तो मैं रिव्यू दूंगा, क्योंकि यार अब वीडियो काफ़ी लंबी भी होती चाहिए, और दूसरा इसका रिव्यू दे दूंगा जब देना होगा। ये बॉटल है 200 GM की बॉटल है, ठीक है, हम आने की है, ब्लैक सीड हनी है, सिंपल हनी भी इनका मिलता है और ब्लैक सीड हनी भी इनका मिलता है। तो ये था, और ये एक हनी 430 अबाउट इतने का ही कुछ मुझे पड़ा है, 2 हनी थे और एक सोप था, टोटल इसका 1100 4 बना। और आप दाराज डॉट पी के से मैंने इसको ऑर्डर किया था, वहाँ पर जाके सर्च कर सकते हो हमानी का हनी, कोई सा भी फ्लेवर, जिंजर में भी आता है, जो आजकल अगर आपको पता हो तो एक टोटका है कि गले का ख़राब हो तो जिंजर एंड हनी आप ले सकते हो। तो हमारे ने वो पैकिंग जारी कर दी, साथ में चम्मच ये वाली और साथ में जिंजर वाला हनी। फिर उन्होंने अब स्टार्ट किया है ब्लैक सीड हनी, चिया हनी, चिया सीड का भी हनी आता है, और काफ़ी सारी और सीड्स का भी मैंने देखा था कि हनी आता है। ब्लैक सीड मतलब कलौंजी, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, मेरा अंदाज़ा गलत भी हो सकता है और सही है मेरे ख्याल से। तो चलें, रखिएगा अपना ख्याल, अपने साथ वालों का ख्याल, और कोशिश कीजिएगा जिनका ख्याल आप आम ज़िंदगी में इस चलते हुए सफ़र में नहीं रख पा रहे, उनका स्पेशल फैसल अली के कहने पे या ख्याल ज़रूर रखिएगा। मुझे इनके चौधरी फैसल अली को रखिएगा दुआओं में याद, और मुझे इनके फिर से चौधरी फैसल अली को दीजिएगा फ्रॉम चैनल फैसल अली व्लॉग यूट्यूब। अल्लाह हाफिज़ो नासिर।